श्रृंखला से घिरा बर्फीली चांशल घाटी की गोद में पब्बर एवं शिकरी नदी के संगम में बसा प्राकृतिक सौंदर्य का अनमता नमूना रोहरू शहर, जहां पिछले कई वर्षों इस शहर में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी यह छोटा सा कस्बा प्रदेश के बड़े शहरों से पीछे नहीं है। वर्तमान समय में इस छोटे से शहर में 3 महाविद्यालय, 2 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, 5 सरकारी प्राथमिक विद्यालय तथा अन्य कई निजी विद्यालय शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। परंतु इन सभी संस्थानों में से राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोहरू बालक की अपनी अलग पहचान है। ज्ञान की अग्नि शलाका जलाने वाली ये रोहरू शहर का प्राचीनतम विद्यालय आजादी के बाद सर्वप्रथम प्राथमिक पाठशाला के रूप में अस्तित्व में आया। क्रमबद्ध तरीके से तन्नोरत होते हुए इसकी स्थापना से आज तक इस विद्यालय में कितने डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इस देश को दिए हैं, और यह विद्यालय विकास के कई तरह के बदलाव से गुजरा है। जो अभूतपूर्व बदलाव है वो अपने आप में अतुलनीय एवं अविश्वसनीय है। सर्वप्रथम गत वर्ष अक्टूबर 2017 को विद्यालय के वर्तमान प्रधानाचार्य के कमान संभालने के बाद पहली स्टाफ मीटिंग में सभी अध्यापकों के साथ मिलकर निर्णय लिया गया कि विद्यालय में नकल पूरी तरह से प्रतिबंधित की जाए। तालीम हासिल करने की कतार में विद्यार्थियों का भविष्य वीरान एवं अंधकार में ना हो जाए तथा अपने उद्देश्य को अमली जामा पहनाने के लिए विद्यालय प्रशासन ने पाठशाला परिसर तथा विद्यालय के सभी कमरों में सीसीटीवी कैमरा स्थापित किए। हालांकि इन सीसीटीवी कैमरास का सीधा असर विद्यालय के वार्षिक परिणाम पर देखने को मिला, लेकिन निश्चय ही विद्यालय प्रशासन द्वारा उठाया गया यह कदम शैक्षणिक विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। विद्यार्थियों की प्रवेश संख्या को बढ़ाने एवं शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए सत्र के आरंभ में ही विद्यालय ने अपना प्रोस्पेक्टस प्रकाशित किया। इस प्रोस्पेक्टस में विद्यालय से संबंधित सभी जानकारी के साथ साथ वर्ष भर में आयोजित होने वाली गतिविधियों से अभिभावकों को अवगत कराया गया। निजी विद्यालय की तर्ज पर ड्रेस कोड में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। आई कार्ड, बेल्ट, टाई आदि के साथ साथ सप्ताह में 2 दिन ट्रैक सूट पहनना अनिवार्य किया गया है। समय की मांग के अनुरूप 6 कक्षा से अंग्रेजी माध्यम आरंभ किया गया है। शिक्षण अधिगम कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए साप्ताहिक टेस्ट का टाइम टेबल विशेष रूप से बनाया गया है। प्रत्येक टेस्ट की रिपोर्ट व्हाट्सएप के माध्यम से अभिभावकों को भेजी जाती है। सभी विद्यार्थी नियमित रूप से स्टूडेंट डायरी भरते हैं तथा अध्यापक एवं अभिभावक इसका निरीक्षण करते हैं। मुख्यमंत्री आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि से विकास की रफ्तार को नया बल मिला है। इस योजना के तहत विज्ञान और गणित की पढ़ाई को सरल और रोचक बनाने के लिए 3 स्मार्ट क्लासरूम्स का निर्माण किया गया। कंप्यूटर शिक्षा की महत्ता को समझते हुए अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब का निर्माण किया गया है। विद्यार्थियों में स्वयं अध्ययन की प्रवृत्ति को जागृत करने के लिए ई लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है, जिसमें विद्यार्थी देश के विभिन्न भागों के विषय विशेषज्ञ से जुड़कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई नई जानकारियां हासिल करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ खेलों को बढ़ावा देने के लिए इसी योजना के अंतर्गत 2 उच्च स्तर के
बैडमिंटन एवं बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण किया गया है। कबड्डी खेल प्रोत्साहित करने हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर का कबड्डी मैट उपलब्ध करवाया गया है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा वास करती है। इस लोकोक्ति को चरितार्थ बनाने के लिए विशेष रूप से जिम्नेजियम स्थापित किया गया है। इसके अलावा अन्य खेलों जैसे जूडो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टीटी, कैरम, चेस, हैंडबॉल आदि खेलों के उपकरण भी उपलब्ध करवाए गए हैं। विद्यार्थियों में संगीत की रुचि बढ़ाने के लिए संगीत के सभी उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं, जिससे प्रातःकालीन सभा को और रोचक बनाने में मदद मिली है। इतनी सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी पाठशाला कई मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है। विद्यालय भवन में पिछले 20 वर्षों से मरम्मत का कोई भी कार्य नहीं हुआ था, जिसके कारण विद्यालय भवन जर्जर एवं खस्ता हालत में था। इन समस्याओं के समाधान के लिए विद्यालय प्रशासन ने SMC का सहयोग लिया और बिल्डिंग फंड से 15 लाख की राशि स्वीकृत करवाई। विद्यालय परिसर के सौंदर्यकरण एवं कीचड़ से निजात दिलवाने हेतु इंटरलॉक टाइल्स से विद्यालय को सुसज्जित किया गया। उच्च स्तर के समारोह आयोजित करने के लिए विद्यालय प्रांगण में एक विशाल एवं भव्य स्टेज का निर्माण किया गया। पूरे विद्यालय भवन की दीवारों, छत आदि रंग रोगन किया गया। बिजली की मरम्मत की गई। पूरे विद्यालय में बिजली की बचत के लिए LED बल्ब लगाए गए। जहाँ कहीं भी टूट फूट थी, सीलिंग, खिड़की, दरवाजों, उन सभी की मरम्मत की गई। दीवारों पर प्रेरणात्मक और शिक्षात्मक स्लोगन और चित्रकारी की गई। प्रधानाचार्य महोदय ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए टॉपर बोर्ड भी लगाया है, तथा बोर्ड की वार्षिक परीक्षा में टॉप 10 में आने वाले हर विद्यार्थी को 11,000 रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय प्रशासन हमेशा प्रयासरत रहता है। शिक्षा के साथ साथ खेलों एवं अन्य गैर शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय में इंटर हाउस स्पोर्ट्स मीट करवाई जाती है। इसके अतिरिक्त सभी विशेष दिवसों को मनाया जाता है, मुख्य रूप से भाषण, डिबेट, प्रदर्शनी, नारा लेखन, पेंटिंग आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। सर्वप्रथम मैं धन्यवादी एवं आभारी हूँ उस परमपिता परमेश्वर का, जिन्होंने इस पवित्र पावन व्यवसाय के लिए मेरा चुनाव किया है। मैं इस विद्यालय का प्रधानाचार्य होने के नाते मेरा विनम्र आग्रह रहेगा उन सभी अभिभावकों से जो आगामी सत्र में अपने बच्चे का दाखिला किसी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में करवाना चाहते हैं, आप निसंकोच अपने बच्चे का दाखिला हमारे विद्यालय में कराइए। मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ, जिस प्रकार की सुविधाएं आपको हमारे विद्यालय में मिलेगी शायद ही किसी निजी विद्यालय में मिले। मैं और मेरे वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोहड़ू के समस्त अध्यापकगण आपके बच्चे के सुनहरे एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है। धन्यवाद।